हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। पंकज त्रिपाठी एक भारतीय अभिनेता है जो कि मुख्य तौर से हिंदी सिनेमा में सक्रिय है। वो अपने प्राकृतिक अभिनय शैली के लिए खूब प्रसिद्ध है। पंकज लोगों की नज़रों में तब आए जब उन्होंने फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में अपनी सहायक भूमिका के साथ प्रसिद्धि प्राप्त की, जिसमें उन्होंने सुल्तान की भूमिका निभाई थी। उसके बाद उन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में मिर्जापुर, सेक्रेड गेम्स जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में बेहतरीन एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लिया है। पंकज त्रिपाठी जी के बारे में अगर हम अच्छे से जानकारी लेंगे तो हमें पता चलेगा कि वे खेलों में भी काफी अच्छे हैं और उनके हाई जंप और 100 मीटर स्प्रिंट में अपने कॉलेज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने होटल मैनेजमेंट में एक कोर्स ज्वाइन किया और होटल मौर्य में 2 साल तक रसोइया का काम अच्छी तरह से निभाया। टीवी न होने के कारण उन्हें 10वीं कक्षा तक फिल्मों की जानकारी नहीं थी और नज़दीकी थिएटर उनके गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर था। बाद में अभिनेता ने फिल्म में आने से पहले कई वर्षों तक थिएटर में काम किया। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 को भारत के बिहार के गोपालगंज जिले के एक छोटे से शहर बेलसंड में हुआ था। पंकज का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ। उनके माता और पिता एक धार्मिक लोग हैं। उनके पिता पंडित बनारस तिवारी एक किसान और एक पुजारी भी है और उनकी माँ हेमवंती गृहिणी है। उनके 3 बड़े भाई और 2 बड़ी बहनें हैं। त्रिपाठी के पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए पटना भेज दिया। वह पढ़ाई के दौरान वह ABVP में शामिल हो गए और कॉलेज की राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा गोपालगंज के DPH स्कूल में की। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद उनके पिता ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए पटना भेज दिया था। त्रिपाठी का बचपन से ही अभिनय की ओर झुकाव था और केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने अपने गांव में छठ महोत्सव में एक गर्ल आर्टिस्ट के रूप में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। उनकी पत्नी का नाम मृदुला है और पंकज त्रिपाठी की मुलाकात मृदुला से उस समय हुई जब दोनों स्कूल में थे और उन्होंने समय से सोच लिया था कि उनकी पत्नी सिर्फ मृदुला ही बनेगी और उन्होंने 15 जनवरी 2005 को उनसे शादी कर ली। अब उनको एक बेटी है जिसका नाम आशी त्रिपाठी है। पंकज को अभिनय का शौक तो पटना में रहते हुए ही लग गया था और इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने विभिन्न नाटक शोज में काम करना शुरू किया। साल 1995 में उन्होंने भीष्म साहनी की लीला नंदलाल की कहानी पर आधारित नाटक में एक स्थानीय चोर की एक छोटी सी भूमिका निभाई, जिसे विजय कुमार द्वारा निर्देशित किया गया। उनके प्रदर्शन को दर्शकों और मीडिया ने समान रूप से सराहा। उसके बाद से वे एक नियमित थिएटर कलाकार बन गए और लगभग 4 सालों तक इनका अभ्यास किया। पटना में 7 साल बिताने के बाद पंकज दिल्ली चले आए। उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 2004 में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की और वापस वे पटना लौट आए। 4 महीने तक फिर थिएटर किया। 16 अक्टूबर 2004 को वह अपनी अभिनय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपनी पत्नी के साथ मुंबई चले आए। 2004 से 2010 तक उन्होंने टाटा टी के लिए एक विज्ञापन सहित फिल्मों और टेलीविजन में कई छोटी भूमिकाएं निभाई। पंकज की शुरुआत में कमाई इतनी अच्छी नहीं थी जिससे घर चल सके, तो उनकी पत्नी ने मुंबई के गोरेगांव में पढ़ाना शुरू किया। पंकज को फिल्मों में एक्टिंग का मौका साल 2004 में आई फिल्म रन में मिला, जिसमें अभिषेक बच्चन और विजय राज ने अभिनय किया। 2010 में उन्हें स्टार प्लस पर गुलाल नामक एक टीवी ड्रामा सीरीज में
एक भूमिका मिली। गुलाल की शूटिंग के दौरान पंकज को अनुराग कश्यप की गैंग्स ऑफ वासेपुर के ऑडिशन के लिए कॉल आया। ऑडिशन लगभग 8 घंटे तक चला और उन्हें सुल्तान की भूमिका की पेशकश की गई। फिल्म में उनके प्रदर्शन और दर्शकों ने खूब सराहा और उन्हें कई फिल्म निर्माताओं से अधिक प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। फुकरे, मांझी द माउंटेन मैन और मसान ने उनकी रचनाओं को आलोचकों और दर्शकों ने भी खूब सराहा। पंकज की गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक्टिंग देखकर उनके पास फिल्मों के ऑफर आना शुरू हो चुके थे, जिसके तहत उन्होंने फुकरे, मांझी, द माउंटेन मैन और मसान जैसी बेहतरीन फिल्मों में काम करने का मौका मिला। पंकज त्रिपाठी वैसे तो बहुत ही मंजे हुए कलाकार है, लेकिन लोगों ने उन्हें पहली कालीन भैया के रूप में जब वेब सीरीज मिर्जापुर में देखा तो पंकज की दीवानगी लोगों में और ज़्यादा बात गई। उसके बाद उन्हें सेक्रेट गेम में गुरुजी का रोल निभाने के मौका मिला और उसके बाद उन्होंने मिर्जापुर 2 में दोबारा से अभिनय किया, जिससे उनका क्रेज दर्शकों में काफ़ी छा गया है। तो दोस्तों, ये थी जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी के बारे में इन्फॉर्मेशन। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुभम सिरोही से ली गई ये इन्फॉर्मेशन आप को क्या लगती है ये कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जल्द मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।